अम्मी और साजिद भाई को, सितारा बहन को अच्छे से समझाना चाहिए कि कोई किसी का हमदर्द नहीं है। मुश्किल वक्त में कोई भी साथ नहीं होता। आपने देखा था ना कैसे मुश्किल वक्त है, और वो जो आपने वो वर्द निकाला फिर आपके लिए अच्छा वक्त आया। इस वक्त सब जो भी आपके ऊपर बात करते हैं वो सब जलते हैं। आपके पास अल्लाह पाक ने आपको बहुत तरक्की दी, गाड़ियाँ दी, आप अच्छा अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। आप किसी की टेंशन मत लिए, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आपके लिए यही बोलूँगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने अच्छे काम में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह पाक पूरी यूट्यूब फैमिली को सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए और आप अपने अजीज़ व अकारब के साथ खुश और खुर्रम रहें। तो आज मंडे का दिन है, टाइम इस वक्त 12:30 हो रहे हैं। तो आज मैं रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप सबको अच्छी लगे तो मेरा चैनल मोहम्मद अदी व्लॉग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जो मेरा एक पेशा है टेलरिंग का, इसके लिए मुझे जो सामान लेने जाना, लेने आना, फिर कटेंगी स्टिचिंग, ये सब चीज़ें मैं एक बाहर खुद ही करता हूँ अपना काम। तो उसके लिए मैं इतनी मसरूफ़ हो गया था कि मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था। मैंने कहा कि एक दफ़ा मेरे काम की सेटिंग हो जाए फिर उसके हिसाब से मेरे व्लॉग भी बनेंगे, और जो मैं अपना एक कंटेंट बनाऊंगा वो भी उसी हिसाब से टाइम निकाल के बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह मैं ऐसा ऐसा अपनी सेटिंग कर लूँगा। तो आज मैंने देखा कि पिछले 2 दिन से जो है सितारा बहन के व्लॉग नहीं आ रहे, तो उसके लिए मैंने कहा कि मुझे व्लॉग बनाना चाहिए, कि अच्छा नहीं लगता कि जिसके थ्रू मुकम्मल सारे चैनल हैं और वो नज़र ना आए, और ऐसे ऐसे चैनल नज़र आए जिनका ना कोई रूटीन का कोई हिसाब किताब है, ना कोई रूटीन है, ना कोई कोई कंटेंट है, ना कुछ है। तो मैं जैसे सुबह उठता हूँ सारा दिन मेरा यही इंतज़ार होता है कि सितारा बहन का आज व्लॉग देखूँगा। उसमें अम्मी भी होती हैं, अम्मी को भी देख लेते हैं, और उनका व्लॉग भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रोज़ मैं देखता हूँ, तो पिछले 2 दिन से जब मुझे नज़र नहीं आई मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। तो मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉग बनाऊंगा। मैं तो काफ़ी टाइम से नहीं बना रहा था व्लॉग, तो सोचा मैंने कि आज उनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो यूट्यूब फैमिली, जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो अम्मी और साजिद भाई को, सितारा बहन को अच्छे से समझाना चाहिए कि हमारा जो रोज़गार है, हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है, वो इस यूट्यूब के ऊपर है। तो आप किसी की टेंशन ना लें और आप अपनी अच्छी सी रूटीन दिखाएं और अपना अच्छा, जैसे व्लॉग बनाती हैं वैसे व्लॉग बनाएं, आप सबको छोड़ दें। तो यूट्यूब फैमिली, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है कि जब एक फ़र्ज़ किया कि एक लीडर होता है और वो लीडर कैद हो जाए, बाकी ऑडियंस उसके नीचे क्या करेगी। जो एक बड़ा क्रिएटर है जिसको देख के सब फॉलो करते हैं, अगर वो ठप हो जाए तो बाकी क्या करेंगे। तो ये सबको सोचना चाहिए। सितारा बहन का चैनल है तो सबके चैनल हैं, अगर उनका चैनल नहीं होगा तो बाकी सबकी क्या वैल्यू रह जाएगी। किसको आता है व्लॉग बनाना, किसको आता है अपनी रूटीन दिखाना, किस तरीके से ये शूट जो होता है वो किसको आता है। तो सबको चाहिए उसको सपोर्ट करें अच्छे से। ये टेंशन ज़्यादा जो भी बातें फैलाते हैं या जो भी तौर तरीके हरबे इस्तेमाल करते हैं, इनसे गुरेज करें। तो YouTube फैमिली, जैसे आते हैं इस बात पर कि जैसे शादी करीब करीब होती गई, एक गलत एडी बनाकर उसके ऊपर कमेंट किया गया कि जी ये रुबीना बहन ने कमेंट कर दिया है। रुबीना बहन को तो इंग्लिश लिखना आता नहीं है, उनको तो पढ़ना भी नहीं आता, उन्होंने कैसे कमेंट कर दिया। फिर वो एडी गायब हो गई और उसके बाद कंट्रोवर्सी फैल गई, मुख्तलिफ चैनल से बातें होना शुरू हो गई, जैसे सब बैठे होते हैं इंतज़ार में कि कोई एक बात निकले और हम सब बैठे, क्योंकि ये कोई प्रॉपर यूट्यूबर तो ये है नहीं, ये कंट्रोवर्सी को लेकर ये अपने व्लॉग बनाते हैं। अगर है किसी में दम तो वो अपना बनाए ना कंटेंट, क्यों नहीं बनाता। ये सब इसी इंतज़ार में बैठे होते हैं कि कोई एक लफ्ज़ फैलाए,
हम उसको लेके फसाद फैलाएं और उस फसाद की आड़ में फिर इनका कमाना शुरू हो जाता है। बहुत बुरी बात है ये। तो मैं तो सबसे यही बोलूँगा कि अच्छी अच्छी रूटीन दिखाएं, अपने चैनल के ऊपर किसी को बुरा भला मत बोलें, अपना अच्छा सा व्लॉग बनाएं, अच्छा कंटेंट दिखाएं ताकि ऑडियंस देखे, खुश हो और कुछ अच्छा मैसेज जाए, ना कि किसी के ऊपर किसी की इल्ज़ाम तराशी करके, बोलता बहुतान तराशी करके और किसी के ऊपर बुरा भला बोल के। अगर आप समझते हैं कि मैं यूट्यूबर हूँ तो ये इससे बड़ा तो घटिया कोई हो ही नहीं सकता कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम थोप के आप रोज़ क्रिएट करें। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ जब सितारा बहन का व्लॉग नहीं आता। मेरी आदत है रोज़ उनके व्लॉग देखने की। अम्मी से भी मेरी यही बात हुई कि अम्मी, अगर मैं फ़र्ज़ किया शादी पे आता हूँ, सितारा बहन की ऑडियंस नहीं चाहती हमें देखना, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं भी इन्हीं लोगों में से शामिल हो गया था, जैसे उल्टा सीधे व्लॉग बनाना ये सब। लेकिन मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी वो भूल थी, बहुत बड़ा मेरा गलत वो टाइम था जिसके अंदर मेरे वो व्लॉग बने, जो मैंने वो बनाया और सब डिलीट किया। खैर, जो मैसेज जाना था वो तो हमको चला गया। उस टाइम से लोग अच्छा नहीं समझते। मैंने फिर वो अपने व्लॉगिंग छोड़ के अपने वर्क पे गया। मैं अम्मी से जब भी मेरी बात होती है, अम्मी से यही बोलता हूँ कि अगर सितारा बहन वहाँ आएंगी, जैसे वो व्लॉग शूट कर रही हैं, तो मैं दूर रहूँगा। मैं अगर व्लॉग बनाऊँगा तो मैं उनके ऊपर बिल्कुल शूट नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि अगर किसी का रोज़गार है, सितारा बहन का रोज़गार है और वो उनका एक अच्छा मुस्तकबिल है, उनकी ऑडियंस अच्छा नहीं समझती, मैं नहीं बनाऊँगा, बल्कि व्लॉग ही नहीं बनाऊँगा। मैं व्लॉग और कहीं बना लूँगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो 2 दिन के लिए आए, उस 2 दिन के लिए कैमरे लेके और एक अजाब बर्पा कर दे, सब कहाँ बैठिए, क्या कर रही है, क्यों कर रही है। तो भाई, अल्लाह ताला उसको ढेर दे, वो खुश रहें, आबाद रहें। मेरी दिल से दुआ है इसी तरीके से उनकी व्लॉग चलती रहेंगी और वो अच्छे अच्छे व्लॉग बनाती रहेंगी। तो मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि बेटा, आप परेशान बिल्कुल भी ना। आप अपनी जिस तरीके से रूटीन दिखा रही हैं वो दिखाएं। बाढ़ में गए चैनल, बाढ़ में गई जो भी कंटेंट है, आप अपना दिखाएं। आप अपने बच्चों के लिए जैसे डेली रूटीन दिखाती हैं, आपको 2.5-3 लाख जो बंदा देखता है, आप वो आपके इंतज़ार में होते हैं। आपको परेशानी लेने की या कोई चीज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप देखें कि आपको कोई परेशान करता है या मेरे जाने से वहाँ कोई फसाद होगा, आप ना जाएं बिल्कुल। आप अच्छा सा अपना कंटेंट बनाएं, जैसे बना रही हैं, तो आप ऑडियंस देख रही है, यही तरीक़ाकार आपका जो अच्छा है। आपको बजाय परेशान होने के, आप अपना, आप बहुत अच्छी क्रिएटर हैं, अच्छी आप क्रिएट करती हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं। आपको क्या ज़रूरत है अभी लोग बांध करके बैठने की? किसी का कुछ नहीं जाएगा बेटा। ये दुनिया ऐसी है कि अगर आपके पास कुछ होता है तो लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, जब कुछ नहीं रहता तो वो कहते हैं ये तो भूखा नंगा है, किसी काम का नहीं है। तो आप अपना सोचें। बाकी जितने भी चैनल हैं, क्या है, वो क्या बना रहे हैं? आता है किसी को शूट करना, किसी को व्लॉग बनाना, किसी को क्रिएट करना आता है? नहीं आता। कोई इधर से उठा लिया, कोई उधर से उठा लिया, उल्टे सीधे वो शूट शूट करके व्लॉग बना के वो डाल के बैठ जाते हैं और सब समझते हैं कि जी फलाना यूट्यूबर है, वो है, ये है। तो आप सितारा बेटा, बिल्कुल परेशान ना हो, आप किसी की परवाह किए बगैर अपना कंटेंट जारी रखें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें। और व्लॉग बनाए, कोई किसी का हमदर्द नहीं है, मुश्किल वक्त में कोई भी साथ नहीं होता। आपने देखा था ना कैसे मुश्किल वक्त था, और वो जो आपने वो बर्द निकाला, फिर आपके लिए अच्छा वक्त आया। इस वक्त सब जो भी आपके ऊपर बात करते हैं वो सब जलते हैं। आपके पास अल्लाह पाक ने आपको बहुत तरक्की दी, गाड़ियाँ दी, आप अच्छा अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। आप किसी की टेंशन मत लिए,
मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आपके लिए यही बोलूँगा। किसी की टेंशन लिए बगैर अपना ये जो सफ़र है YouTube का, ये जारी रखें। आप हमारी छोटी बहन हैं, बहुत ज़्यादा मुझे प्यारी हैं। मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप 2 दिन व्लॉग ना बनाए, 3 दिन ना बनाए। इतनी अच्छी आपकी ऑडियंस है, आपका रोज़गार है, क्या जाएगा किसी का। सब जो हैं इधर, सब मुहरे बने हुए हैं, सब आपको काटना चाहते हैं। आपने किसी की फिक्र किए बगैर खूबसूरत जैसे आपकी रूटीन चल रही है इसको चलने दें। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन उनके लिए है जो आपकी फेवर करते हैं, आपको नहीं है। आप क्रिएटर हैं, ऑडियंस आपकी है, उनके थ्रू फिर सबकी है। तो मेरा आपसे यही है कि आप व्लॉग जारी रखें, खूबसूरत व्लॉग बनाती रहें और किसी की परवाह किए बगैर। और अम्मी से भी मैं बात करूंगा और उनसे भी यही बोलूंगा कि अम्मी व्लॉग बंद नहीं होना चाहिए, ये व्लॉग है तो सब कुछ है, इसके अलावा तो क्या है, क्या कुछ है? अगर आप इतनी अच्छी क्रिएटर हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, देखते हैं, तो फिर ये क्या है ये सब कुछ। मेरा आपके लिए यही मैसेज है, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आप मेरी छोटी बहन हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। किसी टाइम पे मेरा भी एक हो गया था, लेकिन मैं उस पर इतनी शर्मिंदा हूँ कि शायद मैं ज़िंदगी भर ये जिस तरीके से लैंग्वेज मुझसे निकली, शायद ये मैं अपने आप को माफ़ कर सकूं। तो बेटा आप अपना व्लॉग जारी रखें और बाकी ये जो कुछ आजकल चल रहा है आप इसकी परवाह बिल्कुल ना करें। ये सारे दुश्मन लोग हैं, कोई आपका अच्छा ही, कोई भी आपको अच्छा नहीं समझेगा। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगी और ख़ूबसूरत व्लॉग से इब्तदा करेंगी आप और आइंदा इस गलत नेगेटिविटी, गलत कंट्रोवर्सी, इससे आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगी। अपने बच्चों का सोचेंगी, अपने घर का, और जो आपकी खूबसूरत लाइफ है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जारी और सारी रखेंगे। जो आपके गिराना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला वो उन्होंने पहले भी मुंह की खाई, आप भी खाएंगे। तो YouTube फैमिली, सितारा बहन के लिए एक मैं शेर पढ़ूँगा, सलीम खान साहब जो कि सलमान खान के वाले साहब हैं, जो कि वो, ये उनका शेर है। आंसू आए तो खुद ही पूछिएगा, लोग पूछने आएंगे तो सौदा करेंगे। ये उनका जो शेर है ये हमेशा मैं, कि अगर आपके आंसू आते हैं तो आप खुद ही पूछ लें, अगर दूसरा पूछने आएगा तो वो तो उसके बदले कुछ लेगा, हमदर्दी उठाएगा, आपका हमदर्द बनेगा। तो इससे बेहतर है कि ये सब चीज़ें आपको खुद करनी चाहिए। उम्मीद है आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगेगा। अगर लाइक, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मुझे जैसे जैसे बीच में मौका मिलता रहेगा तो मैं व्लॉग आप सबके लिए अपलोड करता रहूँगा। आई मिस यू ऑल ऑडियंस, खुदा हाफिज़।